नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप गोडेड में से जस्ट 95 रुपीज़ में .com डोमेन रजिस्टर करवा सकते हो विथ एनी पेमेंट मेथड इंक्लूडिंग पेटीएम और यूपीआई। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता है कि मैं किसी भी प्रकार की ऑफर या तो प्रोमो कोड के बारे में वीडियो बनाता हूँ तो ये प्रोमो कोड वेरीफाई होता है। इसका मतलब कि मैं आपको लाइव डोमेन परचेज करके ही दिखाता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप गोडेडी में से जस्ट 95 रुपीज़ के अंदर .com डोमेन रजिस्टर करवा सकते हो विथ एनी पेमेंट मेथड इंक्लूडिंग पेटीएम और यूपीआई। तो आपको कैसे रजिस्टर करना है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउज़र के अंदर इसका प्राइवेट विंडो ओपन करना है और इसके अंदर आपको एक फ्रेश गूगल का अकाउंट बनाना है, या तो आपके पास फ्रेश गूगल अकाउंट है जो जिस अकाउंट की मदद से आपने गोडेडी के अंदर अकाउंट नहीं बनाया है इसको आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने लॉगिन करके रखा है। इसके बाद सिंपल आपको गूगल के अंदर लिखना है गोडेडी। इसके बाद आपको सबसे पहली लिंक विजिट करनी है। तो देखिए, यहाँ पर गोडेडी ओपन हो चुका है। इसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको जो भी .com डोमेन परचेस करना है इसका नाम लिखना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ hindiinfinity.com। तो देखिए, ये डोमेन यहाँ पर अवेलेबल है। तो सिंपल मैं ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद कंटिन्यू कार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 ईयर है वहाँ पर 1 ईयर करना है। इसके बाद नीचे जाना है और वहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल ईमेल का ऑप्शन है, इसको रिमूव करना है। तो अब आपके सामने जो ओपन है वो हमारा फाइनल कार्ट है जिसके अंदर एक .com डोमेन एड है। तो इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हैव अ प्रोमो कोड का, वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोमो कोड मिलेगा, वो प्रोमो कोड यहाँ पर आपको लिखना है। प्रोमो कोड लिखने के बाद सिंपल आपको अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो प्रोमो कोड सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा, जैसे हमने प्रोमो कोड अप्लाई किया तो हमारे कार्ट की वैल्यू हो चुकी है 93.15, यानी कि ये हमारा फाइनल है कार्ट का वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर आपको एक गोडेडी का फ्रेश अकाउंट बनाना है। तो मैंने आपको पहले बताया इस तरह से, ये प्राइवेट विंडो के अंदर जो आपने गूगल का अकाउंट लॉगिन किया है वही जीमेल आईडी आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। सिंपल कॉपी कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कीजिए और यहाँ पर आपको जो भी आपका यूज़र नेम रखना है वो यूज़र नेम रख दीजिए। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम रख देता हूँ हिंदी इन्फिनिटी और इसके बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चूज़ कर लीजिए। पासवर्ड लिखने के बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक न्यू अकाउंट ओपन कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके बाद आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आपको इसके खास बात दिखा देगी। अब देखिए, हमारे जो कार्ट की वैल्यू हो गई है 95.58 और यहाँ पर आपको दिखा देगा कि क्रेडिट कार्ड के सिवाय आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट और UPI का ऑप्शन दिखा देगा। तो अगर आपके पास ये डेबिट कार्ड नहीं है या तो क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप पेटीएम वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है UPI। इसके बाद यहाँ पर आपके टोटल कार्ड की वैल्यू कंप्लीट परचेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल जाना है नीचे। तो नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि UPI, इसके बाद वॉलेट के ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर फ्री चार्ज, इसके बाद पेटीएम वॉलेट। तो सभी प्रकार के वॉलेट का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं सिंपल यूज़ करने वाला हूँ UPI का। तो मैं UPI के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं UPI ID लिखता हूँ और UPI ID लिखने के बाद मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे Amazon अकाउंट के अंदर मुझे पेमेंट की रिक्वेस्ट आई है कि आपको इतना पे करना है। तो सिंपल मैं पे कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। अब हम जाते हैं PC में और वहाँ पर देखते हैं कि पेमेंट हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर आपको देखा देगा कि अभी लोडिंग हो रहा है, इस पेज को आपको रिफ्रेश नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा थैंक यू फॉर योर ऑर्डर और हमने 95.58 रुपीज़ में .com डोमेन रजिस्टर करवा लिया है विथ Amazon UPI। तो इसके अलावा पेमेंट इसके अलावा पेटीएम का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम चेक करते हैं हमारा डोमेन आया है या नहीं। तो हम सिंपल User ID के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद मैनेज डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि hindiinfinity.com हमने सक्सेसफुली 1 ईयर के लिए रजिस्टर करवा लिया है यूजिंग UPI। तो इस तरह से दोस्तों, आप गोडेडी के अंदर जस्ट 95 रुपीज़ के अंदर .com डोमेन रजिस्टर करवा सकते हो विथ एनी पेमेंट मेथड। मैंने UPI यूज़ किया है, आप इसकी जगह पेटीएम का भी यूज़ कर सकते हो।
अगर आपके पास यूपीआई नहीं है। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।